ज्यादा जगाओ, ज्यादा लेकर के फूल लाओ उधर से, फूल फूल उठा दो। ये नहीं, गेंदा गुलाब लाओ, गेंदा गुलाब, गेंदा गुलाब। ये छोटा माला है, चढ़ा दे। ये साथी से
जनते लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं ना भैया, जनते चढ़ा रहे हैं ना, तो संकल्प खाली आप पे, उनका दशांश भाग मिलेगा, बाकी जो सामग्री लाता है जिसका संकल्प जिसने व्यवस्था की 90% उनका मिलेगा अपने आप। अब आचार्य उनका नाम है वही तो 100% उनका मिले, क्योंकि चढ़वाई पैसा नहीं जो इसलिए टेंशन ना करो। लड़ी नहीं है ना, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर रखते हुए खड़ा करो बीच में, अभी नहीं, अभी नहीं, चले उन दे दो बाटी पे डिवाइड कर दो, तो सब ले ले लिए ये लड़ी जो भैया लगाओ भाई इधर लग कराते समय तोड़ देना, देखिए तोड़ देना था, ज्यादा छोटा मत करना, चलो बैठ जाइए।
श्रीवाय नमः ॐ अनाथाय नमः ॐ मुत्साय नमः सारपते नमः ॐ शतार्थाय नमः ॐ सिद्धबोधार्थाय नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ सत्यप्रदाय नमः ॐ शुचये नमः ॐ त्रिपाणिपाय नमः ॐ पराय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ वक्त्रारं परमागतये नमः ॐ विमुक्ताय नमः ॐ मुक्ततेजसे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ श्रीरत्नाय नमः ॐ जगते नमः ओय शंकर भगवान की जय। सभी लोग बड़े भाव के साथ भूख लगाइए। क्या खिलाया जाए तुझे, क्या पिलाया जाए, क्या तुझे क्या पिलाया जाए, बोलो बोले क्या तुझे क्या भोग लगाया जाए, क्या पिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोल बोले क्या तुझे क्या भोग लगाया जाए, खुश हो जाए मैं बोली मंगवाजो, आप खुश हो जाए मैं बोली मंगवाजो, हर
अच्छा जी, दो मिनट दिए भोग आ रहा। हरि ओम अद्वित सर बोली ओ लाल टूटे पे चले आओ हरिओम अद्वित अक्षर बोली आप ओम विष्णु 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 नमो भगवते महाप्रभुमान जम्बुदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्षे क्षेत्रे गोदावरी गंगा उत्तर क्षेत्रे गंगा गोमती मध्य क्षेत्र नेमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गते लक्ष्मणपुर जनपद अंतर्गते किला मोहम्मदी नगर उपनगरे यजमानस गृह यजमानस गृह आनंद नाम संवत्सर 2078 साल के 47 वर्षा ऋतु माता नाम मातो के ज्योतिर्लिंगानां महती कृपा कटाक्ष प्राप्त हेतवे मुख्य रूपे बोले अखंड सौभाग्य प्राप्त हेतवे जगज्जननी जगदम्बा अन्नपूर्णा स्वरूपे पार्वती देवी कृपा महती कृपा कटाक्ष प्राप्त होते यथाशक्ति वस्त्रादि सौभाग्य द्रव्यादि सहित बोले अखंड ऋत फलम समर्पयामि जगदम्बा पार्वती देवे नमः। जहाँ पार्वती जी थी सामने वहां स्पष्ट करा के आ गया उसमें प्याज याद तो नहीं पड़ा नहीं 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 रख ली जो हाथ नीचे रख के 50 बार जल से धोवा दीजिए जल्दी क्या निकल ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं वेच्छामे च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शुभकर्ता सुकेतो नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयामि अधिकाम सदाशिवाय सकलकाम सदाशिवाय ब्रह्मा पार्वती देवे ही नमः। गणेश सविता सहित सकल साम सदाशिवाय नमः। चार बार चलते बार पांच बार चलते बार प्राणे स्वाह पाने स्वाह धने स्वाह उगाने स्वाह समाने स्वाम धे बधे पानी यहाँ कर अंदर पड़ा देख जा तुम बैठो अभी जाना वाले आप जो है सभी लोग बाबा की दक्षिणा चढ़ाइए भोले बाबा की। हाँ बंधन देंगे हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभाग यहाँ नैवेद्य के साथ में लगाएंगे इसमें लगा दो दक्षिणा सभी लोग चढ़ा दीजिए अर्चन किया है इधर चढ़ाओ भोलेनाथ से प्रार्थना करना है नाथ के अतिरिक्त दोष कम ज्यादा का दोष के लिए जो है ये और से जान करो ये सब जला लेते सिग्नल किनारे वाला है ना पंखा तो और से जान करो लाइट सब जला
इसको आज में कराइए जल कहाँ जल है करने वाला हो जाए पापों से मुक्त जय गणेश बोलो सके संकटों के जाल आयो तारु प्यारे कराई के लाल तो गला जित गजान ने दीन दयाल आयो तारु प्यारे कराई के लाल ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी पहले पूजा तेरी है ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी पहले पूजा तेरी है काल शुद्ध है तेरी दया भी जरूरी है हाथों में मृदंग सोए दांडिया भी धारे है Thank you.
तो देखा फ्रेंड्स आप सबने कि हमने भोले बाबा की पूजा कर ली है और अब हम आए हैं भोले बाबा का विसर्जन करने। तो ये हम आए हैं नहर पे, ये आलमबाग नहर है तो वहीं पर हम आए हैं विसर्जन करने, तो यहीं हम विसर्जित कर देंगे। हम बच्चों के साथ आए हुए हैं, हस्बैंड भी हैं हमारे, तो देखिए हम पूरा यूं ही ले आए हैं ऐसे उठा के। भोलेनाथ को हमने बोरी में रख लिया था और अब हम नहर में विसर्जित कर देंगे। हमारे गुरुजी ने कहा था कि बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, तो हम आए हैं नहर पे और यहीं पे हम प्रवाहित करेंगे, इनका विसर्जन करेंगे। तो देखिए यहाँ बहता हुआ पानी हमें दिखा है, तो हम यहीं पे विसर्जन करेंगे। नहर का पानी चल रहा है, बहाव तेज़ है, बारिश का सीज़न है तो बहुत तेज़ से नहर चल रही है, तो हमने इसे नहर में विसर्जन कर दिया है। बहुत दूर हम नहीं जा पाए हैं, ये पास में ही हम विसर्जित कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि हमारी पूजा भी हो गई और हमने अच्छे से विसर्जन कर दिया है। थोड़े बहुत फूल थे जो बाउंड्री के ऊपर रह गए हैं, तो इनको भी हम नीचे गिरा दे रहे हैं, विसर्जित कर दे रहे हैं। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय।